हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर प्रिंस गुप्ता ऑर्थोपेडिक्स एंड और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव आज हम लोग ए सर्जरी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें नई तकनीक न्यूअर टेक्निक इन ए सर्जरी जिसको हम ए सर्जरी एसील रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेसिंग बोलते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ए लिगामेंट क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है आ, ये हमारा हमारे घुटने का राइट नी का मॉडल है दाहिना दाहिने घुटने का मॉडल है ये थाई बोन या जांग की हड्डी ये नीचे टांग की हड्डी या टिबिया बोलते हैं हम इसको इन दोनों को जोड़ने वाले चार लिगामेंट्स होते हैं चार प्रमुख लिगामेंट्स अंदर की साइड वाला लिगामेंट उसको हम एम बोलते हैं बाहर की साइड वाला लिगामेंट हम इसको एल बोलते हैं आ, आगे की साइड वाले लिगामेंट जिसको हम ए बोलते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड पीछे की साइड वाला लिगामेंट उसको हम पी बोलते हैं इन सभी लिगामेंट्स का काम ये होता है घुटने को स्टेबिलिटी देना या स्थिरता देना इधर वाला घुटना इधर वाला लिगामेंट घुटने को इधर नहीं जाने देता इसी तरीके से ए लिगामेंट का काम है कि वो घुटने को आगे की तरफ नहीं जाने देता और आगे की तरफ से स्टेबिलिटी देता है जब ये लिगामेंट इंजर हो जाता है या टियर हो जाता है जो कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी में या ट्विस्टिंग इंजरी में गलत कदम पड़ने से हो सकता है तो उसकी वजह से घुटने के आगे का भाग अनस्टेबल हो जाता है और घुटना आगे पीछे जाने लगता है पेशेंट को लचकपन आने की संभावना होती है जिसकी वजह से पेशेंट को भागने में दिक्कत पेशेंट को और लिगामेंट्स इंजर होने के चांसेस और इंजरीज बढ़ने के चांसेस की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे में इस लिगामेंट को रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी होता है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो की जाती है वो होती है हम हैमस्ट्रिंग टेंडन को लेकर उससे लिगामेंट को बनाते हैं और ऊपर उसको फिक्स करते हैं और नीचे फिक्स करते हैं जो तकनीक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है एसीएल लिगामेंट विद एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेसिंग जिसमें हम हैमस्ट्रिंग टेंडन को लेते हैं साथ में एक इंटरनल ब्रेस इम्प्लांट uh, उसमें उसके साथ जोड़ते हैं और उसको ऊपर और नीचे फिक्स uh, करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है पेशेंट को नॉर्मल रूटीन में आने में कम समय लगता है बजाय कि वो नॉर्मल ए सी कराते हैं उससे जल्दी टाइम में लोग अपना uh, काम uh, वापस ज्वाइन कर पाते हैं वापस अपनी चीज़ें uh, नियमित तरीके से कर पाते हैं इसके लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत होती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब पाँच एम का इंसिजन इधर आता है पाँच एम का इंसिजन इधर आता है दूरबीन से जाकर अंदर उस सारे काम को करते हैं तो ये एक तरीके का डे केयर प्रोसीजर है या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के स्टे की जरूरत होती है हॉस्पिटल में इसमें हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर बाद में ड्रेसिंग या टाँके निकलवाने के लिए बुलाते हैं और इसके लिए बाद में पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन करवाते हैं आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में संपर्क कर सकते हैं थैंक यू